नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेज हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में संक्रमण को और अधिक रफ्तार दे दी है। मुंबई और दिल्ली में कोरोना के मामले खतरनाक तरीके से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 13,154 नए मामले सामने आए हैं, जो मंगलवार की तुलना में 43% ज्यादा थे। कोरोना मामलों में अचानक इजाफे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को लेटर लिखकर तत्काल एक्शन लेने को कहा है। चलिए आपको बताते हैं कि केंद्र ने किन 8 राज्यों को लेटर लिखा। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को पत्र लिखकर कई निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन राज्यों से कहा गया है कि मृत्यु दर कम करने को लेकर अभी से जरूरी कदम उठाए जाए। पत्र में कोरोना जाँच बढ़ाने और अस्पताल स्तर की तैयारियों को मजबूत करने, टीकाकरण की गति और कवरेज बढ़ाने की सलाह दी गई है। फिलहाल राज्य अपने स्तर पर कई प्रतिबंध लगा चुकी हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए मुंबई में गुरुवार से 30 दिसंबर से 7 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट्स और क्लब सहित किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल के जश्न, पार्टियों पर रोक लगा दी है। वहीं दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किया गया है। स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया है, जबकि रेस्तरा और बार को केवल 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी गई है। और भी कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। फिलहाल ओमिक्रॉन के केस करीब 1,000 हो गए हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।